नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम दोस्तों करने वाले हैं इन डिटेल इन डेप्थ रिव्यू यू मेरे पास है हैमर के ये सोलो ब्लूटूथ ईयरबड्स। और आज हम करने वाले हैं इनका इन डेप्थ रिव्यू कि कितने ये वर्थफुल हैं आपके लिए। जो प्राइस है इसके 3000 रुपीज़ के अप्रोक्स आपको ये मिल रहे हैं, तो क्या 3000 के अंदर ये वर्थफुल है, वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए। तो यही सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं इन डेप्थ रिव्यू वाला ये वीडियो हैमर सोलो TWS ब्लूटूथ ईयरबड्स का। तो स्टार्ट करो सबसे पहले कि इसका जो बॉक्स है उसमें क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे गिवन है कि जो सोलो हैमर TWS ब्लूटूथ ईयरफोन है इसके अंदर आपको बैटरी की बात करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों आपको इनके अंदर जो ये केस है जिससे चार्जिंग पोर्ट होता है इसका, इस केस के अंदर दोस्तों आपको 380 mAh की बैटरी मिल जाएगी। मीन्स जब आप इसे प्लग करते हो, इन बर्ड्स को आप इनके अंदर प्लग करते हो तो यहाँ पे जो चार्ज हो जाएंगे ये अपने आप चार्ज होने लग जाते हैं। हम देख सकते हैं चार्ज होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस केस के अंदर 380 mAh की बैटरी है। और अगर बात करता हूँ मैं बर्ड्स की, जो सिंगल बर्ड्स है उसके अंदर दोस्तों आपको इस सिंगल बर्ड्स के अंदर 43 mAh की बैटरी मिलने वाली है। मीन्स 43 + 43 दैट इज 86 mAh। तो आप इसको अप्रोक्स 4 times फुली चार्ज कर सकते हैं इस केस के थ्रू। और अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मली इसका चार्जिंग टाइम क्या है तो आपको 2 hours के अप्रोक्स इसको चार्ज करने में टाइम लग जाएगा। और ये जो केस है ये सिंपल USB 2.0 किसी भी केबल से चार्ज हो जाता है, कोई भी चार्जर की तो आप इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है चार्ज करना। दोस्तों इसके अलावा बात करता हूँ कि बैटरी बैकअप आपको एक्चुअल में कितना मिल जाता है इन बर्ड्स के थ्रू, तो मैंने खुद ने टेस्ट किया है। ये मेरे को अप्रोक्स 5 to 6 hours के बीच में दोनों के दोनों बर्ड्स सेपरेटली ईजिली प्रोवाइड करा देते हैं तो दोनों को आप सेपरेटली कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं और आपको दोनों के अंदर 5 to 6 hours का अप्रोक्स टाइम मिल जाएगा चार्जिंग करने के बाद। तो ये काफ़ी सही है, बट आई थिंक अगर 3000 rupees पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा बैटरी बैकअप ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों का, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तो बात करता हूँ मैं इसकी रेंज की कि एक्चुअल में इसकी रेंज कितनी मिल जाएगी इसको कान में प्लग करने के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैंने इसको लगा के कहीं पे ट्रैवल किया तो कनेक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। इवन मैं रनिंग वनिंग या फिर जब मैं बाइक वाइक चला रहा था उस टाइम भी गाड़ी चलाते वक्त मैंने इसको ट्राई किया है तो कनेक्टिविटी में इशू नहीं आ रहा है। रेंज भी आपको 10 to 15 feet तक ईजिली ये कवर कर देगा, तो रेंज के अंदर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि कहीं भी डिसकनेक्टिविटी का इशू स्टार्ट हो जाए। इवन आप जब व्हीकल वगैरह ड्राइव कर रहे हो तो भी यहाँ पे ब्लूटूथ आपको ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ का जो वर्जन है उस पर 5.0 है तो काफ़ी कनेक्टिविटी के अंदर काफ़ी सही ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो बात करता हूँ अब मैं इसके कि कंफर्टेबल कितने हैं यहाँ पे। अगर इनको मैं अपने ईयर्स में प्लग करता हूँ तो कितने कंफर्टेबल हैं ये तो आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये मैंने इनको लगाया है यहाँ पे दोस्तों कंफर्टेबल में काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ये जो शेप है, डिज़ाइन है, ये कानों के लिए काफ़ी सही बना हुआ है। और यहाँ दोस्तों अगर आप यहाँ पे रनिंग भी करते हो तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि बाहर आ जाएंगे, बट वैसे अगर वॉकिंग के हिसाब से बात करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल है। और कंफर्टेबल के हिसाब से अगर आप इजीली 5 to 6 hours को वियर कर सकते हैं, ज़्यादा वियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़े से चुभते हैं अंदर, बट 5 to 6 hours आप इसको इजीली कम पहन के वर्कआउट कर सकते हैं। जिम वगैरह के छोटा मोटा जो वर्कआउट होता है वो आप कर सकते हैं, तो कंफर्टेबल डेफिनेटली दोस्तों ये है। बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे अब नॉइस कैंसिलेशन की। जब इसको आप दोस्तों लगा के आप किसी भी कॉल पे बात करने वाले हैं तो आपको पहले मैं माइक दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में इसका माइक आपको कहाँ मिलने वाला है। ओके तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे की तरफ माइक मिल जाता है और ये जो माइक है ये मुझे सही नहीं लगा है। मीन्स जब आप कॉलिंग के थ्रू किसी से बात करते हैं तो इस माइक के थ्रू यहाँ पे सामने वाला जो इंसान है उसके पास आवाज़ नहीं पहुँचती। एक्चुअली है कि जो माइक है से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आई थिंक कवर नहीं कर पा रहा है, तो मेरे लिए ये डेफिनेटली दोस्तों माइक के हिसाब से मैं उसको 10 में से सिर्फ 2 या 3 रेटिंग दे सकता हूँ। आवाज़ जो सामने वाले के पास जा रही है काफ़ी कम जा रही है, तो यहाँ पे बहुत ही आपको लगेगा कि आवाज़ कट कट के जा रही है। इवन जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो भी बहुत ही बुरा है। तो यहाँ पे कॉलिंग पर्पस के लिए मैं इसको 10 में से 2 या 3 स्टार ही दे सकता हूँ, उससे ऊपर मैं नहीं दे पाऊँगा।
तो एक ब्लूटूथ का होना, उसके अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं होना, या फिर इतनी बुरी सामने बस आवाज़ पहुंचाना, ये दोस्तों बहुत ही बुरी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं इसको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं कि इसके अंदर हम गेम्स में प्ले खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। डेफिनेट दोस्तों मैंने इसको लगा के पबजी गेम खेला है, तो यहाँ पे साउंड वाउंड काफ़ी सही आ रही है, ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा था जब मैं गेम खेल रहा था, तो ये भी काफ़ी सही ऑप्शन है। इसका दोस्तों बात करता हूँ, इसके बटन्स वगैरह कैसे वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे आपको कौन कौन से बटन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये जो हैमर लिखा है, यहाँ पे आपको बटन गिवन है, काफ़ी स्मूथ बटन है, यहाँ पे एक ही बटन गिवन है। तो ये दोनों के इस डिवाइस के अंदर दोनों तरफ बटन गिवन है, और जो इसकी डिज़ाइन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। दोस्तों बात करते हैं इसके बटन्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपन। तो आप इजीली इन बटन्स के थ्रू अगर कोई कॉल आया तो उसको पिक कर सकते हैं, आप उसको एंड कर सकते हैं। और एक और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि इसके अंदर आपको इग्नोर का ऑप्शन मिल गया है। मीन्स अगर आपको कोई फ़ोन कट करना है तो यहाँ पे आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली दो बार प्रेस कर दीजिए कॉलिंग के टाइम पे, तो जो सामने वाला फ़ोन आ रहा है वो इजीली कट हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं तो आप म्यूज़िक और प्ले और पॉज इसी बटन से कर सकते हैं। एक बार प्ले बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे म्यूज़िक करना पॉज हो जाएगा, और अगर आप एक बार वापस प्रेस करेंगे तो म्यूज़िक प्ले हो जाएगा। और डबल क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आपको नेक्स्ट सॉन्ग दे देगा, और ट्रिपल क्लिक करने पे आपको प्रीवियस सॉन्ग दे देगा। इसके अलावा दोस्तों एक और जो इसके अंदर नया ऑप्शन है वो ये है कि जब आप इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं इसके बटन को, तो ये डायरेक्टली आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट दे देता है। आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि कब जब मैं इसको प्रेस करके रखा कितना इजीली मैं वॉइस असिस्टेंट के थ्रू इस फोन को कमांड दे सकता हूँ, कैसे मैं कर सकता हूँ, एक लाइव एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ये दोस्तों मैंने इसके बटन को प्रेस करके रखा है और ये कमांड आ गई है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों देखा आपने लाइव एग्जांपल के थ्रू कितना इजीली है इसके थ्रू वॉइस असिस्टेंट को बंद कराना। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करता हूँ कि यहाँ पर जब कॉलिंग होती है तो ये कैसे नोटिफिकेशन देता है, थोड़ा सा कानों के अंदर आपको ये रिंग की आवाज़ सुनाई दे जाएगी, बट यहाँ पे आपको वाइब्रेशन नहीं मिलने वाला है। मीन्स कुछ लोगों को वाइब्रेशन पसंद होता है, कुछ लोगों का भी दिक्कत होती है वाइब्रेशन के थ्रू, क्योंकि एक बार अगर ब्लूटूथ के अंदर यहाँ पे आपको वाइब्रेशन मिलता है तो वो कंटिन्यू रह पाता है, उसको आप साइलेंट नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको आप इसको वाइब्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका खुद की पर्सनल ओपिनियन है कि आपको इनके अंदर वाइब्रेशन चाहिए कॉलिंग के या फिर कोई भी नोटिफिकेशन थ्रू, या फिर आप बिना इसके भी काम चला सकते हैं। उसको बात करता हूँ मैं इसके बास की और म्यूज़िक एक्सपीरियंस की, कितना इसमें आपको म्यूज़िक एक्सपीरियंस अच्छा मिलने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बास की बात करते हैं तो इतना सही बास नहीं है, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कमी मिलने वाली है। अगर आप हाई म्यूज़िक पे सुनते हैं तो डेफिनेटली एक बार आप कहीं ना कहीं बास फील कर लोगे, बट ओवरऑल दोस्तों अगर बास की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप मैं 10 में से इसको सिर्फ 5 स्टार ही दे सकता हूँ, बास का इतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। इवन जो बोट टोकल्स 255 है जो कि आई थिंक 2000 रुपीज़ के आसपास आ रहे हैं, उनका बास आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। कंपेयर करता हूँ मैं हैमर सोलो ब्लूटूथ ईयरफोन के अंदर। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे एक सैमसंग 11U है, इसका भी बास सही था, बट इसका अगर मैं एवरेज की बात करूँ 10 में से इसको मैंने 6 स्टार दिए थे। तो यहाँ पे दोस्तों 2000 रुपीज़ का जो सैमसंग 11U था, ये और जो बोटोकस 255 है, इनका बास आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा कम्पेयर टू 3000 अप्रॉक्स के मिलने वाले ये हैमर सोलो ब्लूटूथ हेडफोन। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों मैं इनको रिकमेंड नहीं करूँगा म्यूज़िक डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आपको हाई लेवल पे म्यूज़िक सुनना है तो डेफिनेटली आप सुन सकते हैं, बट ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे जो पिच वॉल्यूम वगैरह जो बैलेंस डिपार्टमेंट है वो भी आपको इतना सही नहीं मिलने वाला है। अगर आप गेम्स वेम्स खेलते हो जैसे पबजी वगैरह तो वहाँ पे आपको कहीं इतना डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, बट अगर आपको सिर्फ म्यूज़िक सुनना है और अगर आपको सिर्फ कॉलिंग पर्पज़ के हिसाब से यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन के हिसाब से 10 में से 5 स्टार के आसपास ही कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, इतना ज़्यादा आपको हाईली सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी और भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं आपको सारे सारे आंसर बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते हैं दोस्तों मुझे मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक भी मेरे रिस्पेक्ट कीजिए और सेव नारा टाटा।